हेलो स्टूडेंट, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा डिनोट्स पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट इनहेबिट द इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ हेल्दी पर्सन। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन वो जो कहाँ पर रहती है, हेल्दी पर्सन में उसकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ऑलवेज प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो टू ग्रुप्स में डिवाइडेड, रेजिडेंट फ्लोरा एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा। रेजिडेंट फ्लोरा इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट रेगुलरली फाउंड इन अ गिवन एरिया एट गिवन एज। इट मीन्स इसमें रिलेटिवली जो इसमें जो है ना कुछ फिक्स टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट होते हैं, वो भी कब, गिवन एरिया पे और गिवन एज पे ही प्रेजेंट होंगे। जो हमारा सेकेंड है वो है ट्रांजिएंट फ्लोरा। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन पैथोजेनिक और पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट इनहेबिट द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर आवर डेज और अ वीक। मीन्स जो हमारा ट्रांजिएंट फ्लोरा है इसके अंदर हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं जो नॉन पैथोजेनिक भी हैं, मीन्स डिजीज कॉजिंग नहीं है, और पोटेंशियली पैथोजेनिक भी हैं, मीन्स अगर उन्हें चांस मिले तो वो डिजीज कॉज भी कर सकते हैं। और ये मिलते कहाँ पर हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, और फॉर इनका जो ड्यूरेशन है रहने का वो है आवर्स, डेज और अ वीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। तो यहाँ पे अगर हम देखें या बात करें तो ये जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है उसका बेनिफिशियल रोल भी है और हार्मफुल रोल भी है। बेनिफिशियल में देखते हैं, इट प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ एंड पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो हमारा बेनिफिशियली रोल कर रहा है, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा यहाँ पे बेनिफिशियल रोल शो करेगा, वो ये होगा कि वो पेनिट्रेशन जो है और अटैचमेंट जो है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो हमारी बॉडी पे नहीं होने देगा। सेकेंड है सम प्रोड्यूस एंटीमाइक्रोबियल केमिकल्स दैट किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कुछ जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो किस लिए हेल्पफुल है कि वो किल कर देते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है इकोलाई का। इकोलाई प्रोड्यूस क्लोसीन इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इट मीन्स जो इकोलाई है वो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर वो क्या करती है, क्लोसीन प्रोड्यूस करती है, जो क्या करता है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। अब हम देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है वो वैसे तो नॉन पैथोजेनिक है, अगर उसको कुछ ऐसी कंडीशंस मिल जाए तो वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। इसमें क्या होगा, इट कॉज इन्फेक्शन व्हेन इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन होस्ट बिकम वीक। जब होस्ट की इम्यूनिटी वीक होती है तब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो है इकोलाई। इकोलाई जो है वो हमारे जीआईटी में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो प्रेजेंट होता है, वहाँ से माइग्रेट करके वो यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। वो क्या कोज कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज करता है। तो ये जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोज कर रहा है, तो ये हमारा एक जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है उसका हार्मफुल इफेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कुछ एरिया जो हमारी बॉडी के जो एरियाज ऑफ द बॉडी विद नॉर्मल फ्लोरा। तो इसमें हम फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ स्किन। आप सभी को पता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इट विल अराउंड 2 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कवर करता है हमारी बॉडी का। तो जो हमारी फुल बॉडी है वो स्किन से कवर होती है और टोटल जो एरिया मिला के होता है वो होता है 2 मीटर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कि हमारी स्किन पे भी कुछ अनफेवरेबल हैबिटाट्स हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसका रीज़न क्या है, सम स्किन एरिया सब्जेक्टेड टू पीरियडिकली ड्राइंग। कुछ जो हमारे स्किन का एरिया होता है वो ड्राई रहता है, जैसे कि पाम एरिया है, जो हमारी हाथ की हथेली है, और जो पैर में तलवे वाला जो सोल वाला पार्ट है वो भी हमारा ड्राई एरिया है, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रो नहीं कर सकते। स्किन हैज स्लाइटली एसिडिक पीएच ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस बाय नॉर्मल फ्लोरा स्टेफाइलोकॉकस एंड सिक्रीशन फॉर स्किन ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड।